हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक हेयर। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आज मैं जो ड्राइंग बनाऊंगी और उसके लिए जो मटेरियल यूज करूंगी वो काफी लोवेस्ट प्राइस का है और चीप एंड बेस्ट है। और ये इसलिए कि इस मटेरियल का जो यूज है बिगनर्स के साथ साथ हर लोग इजिली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी कम प्राइस का है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो सामने मटेरियल रखा है मेरे पास, मैं इसी मटेरियल का यूज करूंगी। सबसे पहले जो पेंसिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 8 लाइन की पेंसिल यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पेंसिल्स लगभग सभी लोगों ने यूज करी होगी, HB से लेकर 10B तक की ये पेंसिल है मेरे पास। और सिर्फ इसी पेंसिल का मैं यूज करूंगी। पूरा सेट जो है वो 60 रुपीज का आ जाता है। और यहाँ पे इसके साथ साथ मैं सिर्फ 2 इरेजर यूज कर रही हूँ, एक नॉर्मल कोई भी इरेजर ताकि आउटलाइन जो आप बनाएंगे उसको इरेज करने के लिए, और एक कोहनूर का पेंसिल इरेजर, ठीक है। वैसे तो आप मोनोटोम्बो 0 इरेजर भी ले सकते हैं, लेकिन वो इससे भी महंगा पड़ेगा। और पेंसिल इरेजर में अगर कोई इरेजर आपको यूज करना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कोहनूर का ही इरेजर यूज करें। देखिए यहाँ पे आप लिखा भी है, ये 120 के अप्रोक्स में आ जाता है, वही मोनोटोम्बो 0 इरेजर 250 के अप्रोक्स में आता है, ठीक है। तो पेंसिल इरेजर यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप जब भी यूज कर रहे तो इसे करें, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ये बहुत अच्छे से इरेज हो जाता है। तो बारीक लाइनिंग जो हेयर में मुझे इरेज करना होगा तो मैं इसी से करूंगी। और जो यहाँ पे मैं पेपर जो सीट यूज कर रही हूँ वो A4 साइज की सीट यूज कर रही हूँ, और ये एवरेज सीट है, ठीक है। यहाँ पे मैं एवरेज सीट यूज कर रही हूँ। A4 साइज की जो सीट की प्राइस होती है वो 3 रुपीज की एक सीट मिल जाती है, और वही अगर आप A3 साइज की सीट पे बना रहे तो 5 रुपीज की मिल जाती है। और आप एक साथ बहुत सारे सीट एक बंडल में खरीद रहे तो आपको और कम प्राइस पड़ेगा। तो बस ये पेंसिल, ये 2 इरेजर और एक ये सीट, बस इसी का यूज करके मैं रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने वाली हूँ आज। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ड्रॉइंग। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए जो मैं पेंसिल यूज कर रही हूँ वो HB की पेंसिल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी तरह का ड्राइंग बनाएं उसके आउटलाइन के लिए आप HB पेंसिल ही यूज करें, क्योंकि ये बहुत लाइट पेंसिल होता है। तो इसका जो अगर आप इरेज करते हो तो ये आसानी से इरेज हो जाएगा, उसका निशान नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे वैसे मैं बता दूं कि मैंने आउटलाइन के लिए कोई भी इरेजर यूज नहीं किया है। और अब क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं जूड़ा बना रही हूँ, जो बाल का जूड़ा होता है। और जो जूड़ा बनाने के दौरान एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपको इसकी जो लाइन ड्रॉ करनी है वो राउंड में ड्रॉ करनी है, ठीक है, चारों साइड से राउंड में ड्रॉ करनी है और शेड करना है। और शेडिंग में ये ध्यान रखना है कि जो साइड में और बीच में जो पॉइंट एरिया है वहाँ पे आपको ज्यादा डार्क करना है, और मिडिल में जो है वहाँ पे आपको लाइट रखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो राउंड है वो अच्छे से दिख के आएगा। और इस तरीके से पूरा डार्क और लाइट शेड को ध्यान में रख के आपको जो है इसकी शेडिंग करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप हेयर बना रहे स्पेशली तो आप जो पेंसिल यूज करेंगे यहाँ पे वो पेंसिल एकदम शार्प छिली होनी चाहिए, क्योंकि हेयर की जो बाल है अगर पेंसिल शार्प छिली होगी तो वो बाल अच्छे से, उसकी लाइनिंग अच्छे से दिख के आएगी। तो हमेशा शार्प छिल के और फिर ही उसकी शेडिंग करें। और पूरा कंप्लीट बस जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उसको ध्यान से एब्जॉर्व कीजिए कि मैं किस तरीके से सेटिंग रख रही हूँ, कहाँ पे लाइट छोड़ रही हूँ, कहाँ पे डार्क कर रही हूँ, बस उसी को ख्याल रखना है। और पूरे में मैंने काम किया है सिर्फ 8 लाइन की पेंसिल यूज करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किस तरीके के आपके आपको वीडियोज चाहिए उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसी तरीके के वीडियोज लाऊं। एंड साथ ही गाइज आप अपने वर्क मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है और अभी आपको स्क्रीन पे भी शो कर रही होगी। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।